गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन क्लासेस में मैं लेके आया हूँ 16 चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर द कंडक्टर इज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर और कंडक्टर वायर, देन द कंडक्टर इज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे ये कंडक्टर है, इसको मैंने सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव से टर्मिनल से जोड़ दिया, यहाँ एक स्विच लगा दिया, तो जैसे ही इसको स्विच को ऑन करूंगा तो इसके अंदर क्या फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से ये वायर जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी जो कि एक मैग्नेट के अंदर होती है, इसी को अपन कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारी चीजों के अंदर, बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर इसका यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिक क्रेन है, इलेक्ट्रिक बेल है, जो घरों के बाहर लगती है बेल, वो इलेक्ट्रिक बेल है, इसके अंदर भी इसी का यूज होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक पावरफुल मैग्नेट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक कॉइल लेते हैं। ठीक है, अगर मेटल की कॉइल लेते हैं तो वो कॉइल और ज्यादा पावरफुल मैग्नेट बनाती है। इसके चारों ओर अपन क्या करते हैं, तो कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न्स लगा देते हैं। ठीक है, फिर इसको सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है मैग्नेट। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कोई मैग्नेट आयरन थिंग्स और किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी रखता है उसी को अपन कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स कितना ज्यादा होगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, पहली चीज तो होती है नंबर ऑफ टर्न्स, और सेकेंड थिंग होती है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर यहां पे टर्न्स का मतलब इस वायर को जो मैंने इसके चारों ओर लपेटा है ना, इस वायर को जितना ज्यादा लपेटूंगा, जितने ज्यादा टर्न्स यहां पे होंगे इसके, उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इस मैग्नेट का होगा। दूसरी थिंग, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करूं तो उस कंडीशन में भी इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है यानी मैग्नेटिक पावर है वो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा,
और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट, करंट जितना ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेट बनेगा, यानी उस मैग्नेट का फोर्स जो है उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर वो एक मैग्नेट बन जाता है, उसी मैग्नेट को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर मैं करंट फ्लो करूं तो उस कंडीशन में वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या कहेंगे। अब वो भी बना तो वो एक टाइप का मैग्नेट ही बना ना, तो वो मैग्नेट बना पर वो किस वजह से बना, जब तक वो मैग्नेट कब तक रहेगा, मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये मैग्नेट बना है जब इसके अंदर करंट फ्लो की गई। अब मान लो मैं स्विच ऑफ कर देता हूं, ठीक है, स्विच ऑफ कर देता हूं या कनेक्शन यहां से काट देता हूं, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये मैग्नेट की तरह तभी तक बिहेव करेगा जब तक कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलेगी तो ये मैग्नेट है, नहीं तो मैग्नेट नहीं है। तो ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, और जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते रहते हैं तब तक वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही करंट हटा दिया जाता है वैसे ही वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देता है, मतलब एक टाइप का टेम्पररी मैग्नेट है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो मैग्नेट, नहीं होगा तो मैग्नेट नहीं, ठीक है। अब जो बड़े बड़े मशीनरी वगैरह होती है उसमें भी बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे उतना ही पावरफुल मैग्नेट जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस तरह से ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आगे है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज होते हैं, एक तो मोटर्स के अंदर, जनरेटर के अंदर, ठीक है, मोटर और जनरेटर के अंदर क्या होता है, दो बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे हुए होते हैं ये ऐसे, और बीच में एक कॉइल होती है, तो ये है ना, इसके बीच में घूमती रहती है, ठीक है, और ये जैसे ही घूमती है तो मोटर और जनरेटर जो है वो अपना काम करता है, ठीक है ना। ये आगे हायर क्लासेस में अपन इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी तो ये याद रखना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन कौन चीजें यूज, किन किन चीजों में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, तो जनरेटर्स, मोटर्स, हार्ड डिस्क, एमआरआई मशीन्स, इन सब के अंदर जो एमआरआई मशीन्स जो हॉस्पिटल के अंदर होती है, ब्रेन और हार्ट की एमआरआई निकालने के लिए यूज में आता है, इसका पूरा नाम भी होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ये पूरा नाम होता है एमआरआई, ठीक है ना। अदर यूज होता है किसी चीज को उठाने के लिए, जैसे क्रेन के अंदर होता है ना, क्रेन बहुत भारी भारी चीजों को उठा सकती है, हाई बहुत ज्यादा वेट वाली चीजों को भी आसानी से उठा देती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, उसको अपने अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो उस चीज को खींच लेता है, ठीक है, और वो एक जगह से दूसरी जगह उसको उठा के रख सकते हैं। तीसरी चीज, कई बार क्या होता है, आयरन मटेरियल और बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, उसमें से आयरन मटेरियल्स जो मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, उन मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। उसके अलावा एक यूज आता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में, ठीक है ना, इसका यूज किसमें आता है, इसका यूज परमानेंट मैग्नेट बनाने में भी आता है, ठीक है ना। इस तरह से ये थे यूज इसके। अब आगे आपके लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रिक बेल्ट।
देखो बहुत सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रिक बेल तो आपको पता है क्या है, घरों में जो होती है ये बेल जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही करंट फ्लो होता है तो सीधा वो करंट फ्लो होने की वजह से अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के अट्रैक्शन की वजह से फिर उस इलेक्ट्रोमैग्नेट पर एक छोटा सा हैमर होता है, वो बार बार जाके लगता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कैसे काम करता है देखो, बहुत सिंपल है ये जैसे एक हैमर लगा हुआ है इस तरह से, और ये एक होता है होलो स्फीयर टाइप मेटलिक बॉल, ठीक है। यहां से वायर जाता है, नाउ इलेक्ट्रिक बेल कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, एक स्विच से बैटरी से जुड़ा हुआ होता है, और ये स्विच का एक वायर जाता है, यहां एक कर्व्ड आयरन रॉड होती है इनसे, फिर यहां पर क्या होता है ये वायर टर्न्स लिए हुए होता है, और ये वायर फिर आगे जाके मिलता है हैमर से, ये पूरा आर्मेचर कहा जाता है, ये जब इसका आगे वाला पार्ट है ना वो हैमर कहा जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे होता है बॉम, बिल्कुल जो मेटलिक बिल्कुल अंदर से खाली होता है एक मेटलिक बॉल टाइप, उसको अपन कहते हैं बॉम, ठीक है। जो आपने देखा होगा अपने टेबल पे जो ऑफिस के अंदर पहले एक बेल आती थी जिसको यू बजाते ही मतलब उसके ऊपर मारते ही वो बजती थी, वैसा एक बॉम होता है अंदर। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑन करोगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो सीधा यहाँ पे इसको क्या बना देगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्योंकि गोंग इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी एक क्या हो जाएगा मैग्नेट हो जाएगा, और ये आयरन का होता है तो ये आयरन का होने की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको अपनी ओर क्या करता है अट्रैक्ट। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ना वैसे ये हैमर अट्रैक्ट होकर इसके ऊपर लगता है, और इसके ऊपर लगते ही क्या आती है साउंड प्रोड्यूस होता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक बेल का वर्क होता है, ठीक है ना। स्विच ऑन करोगे तो ये हैमर सीधा अट्रैक्ट होगा और गोंग पे गिरेगा, गोंग पे गिरेगा तो गोंग से साउंड प्रोड्यूस होगा, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बेल का साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। और ये इलेक्ट्रिक बेल किस पे काम करती है, कौन से इफेक्ट पे काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ गए। यहाँ देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, और ये मैग्नेट क्या कर रहा है हमको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, हैमर अट्रैक्ट हो रहा है इसके ऊपर लग रहा है और आवाज आ रही है, यानी बेल का साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये थी इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक बेल अब यहीं पे हो जाता है अपना चैप्टर पूरा। अगर कोई डाउट हो तो गूगल मीट के अंदर मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और अभी मैं आपको थोड़े टाइम में 15 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, किसी रीजन से मैं नहीं भेज पाया, कुछ काम था मैं कहीं बाहर चला गया था, तो आज मैं भेज दूंगा आपको, पहले आप वो कर देना, उसके बाद मैं 16 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेजूंगा। थैंक यू।